भारत देश में बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों के साथ रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, तो उसकी कहाँ गलती होती है कि भगवान उसके साथ इतना बुरा करता है। छोटी बुद्धि नहीं दी, दी होती ये ना होता। आज यदि ये हो रहा है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इंडिया में आप जैसा कि जानते हैं बहुत ज़्यादा वाकयात ये रोनुमा होते हैं कि सुना जाता है कि बच्ची के साथ जो है वो रेप हो गया, और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। इसी के रिलेटेड हिंदू औरत पंडित से सवाल करती है कि जब लड़की के साथ रेप होता है तो ये तो जो है वो भगवान की तरफ से ही हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है वो भगवान उस बच्ची को क्यों नहीं बचाते, मतलब कि उस पर क्यों इतना जुल्म किया जाता है। तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, इसके बारे में जानेंगे कि पंडित ने क्या जवाब दिया, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत देश में बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों के साथ रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, तो उसकी कहाँ गलती होती है कि भगवान उसके साथ इतना बुरा करता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो लोग दरिंदगी करते हैं वह गलत है। वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार नहीं दिया, सद्बुद्धि नहीं दी, दी होती ये ना होता। आज यदि ये हो रहा है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। पर इसमें हम भगवान को दोषी नहीं दे सकते दोष कि भगवान करा रहे हैं। भाई भगवान क्यों कराएंगे? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि आप किसी के साथ गलत कीजिए, आपके पास अक्कल है। वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ वो क्यों हुआ वो तो ईश्वर जानते हैं कि क्यों हुआ, पर जो हो रहा है ये व्यक्ति अपने कर्म दंड भोग रहा है। इसलिए ईश्वर दोषी नहीं है किसी कार्य में। जो हो रहा है हमारे पास समझदारी है कि हम ना गलत करें, होने पर भी गलत करें तो उसके जिम्मेदार हम हैं, ना कि भगवान। तो छोटी छोटी बच्चियों को भी उनका कर्म दंड दिया जाता है? ना, उनको उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें। गलती किससे हुई है उसकी जिम्मेदारी है जिसके वो बच्चे हैं। पवन छेत्री है ना मेरा नाम। जी हाँ, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ अभी कॉल सेंटर में। जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप दो अलग अलग कैटेगरी जो डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग जो रहना चाहिए आप कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप क्या सोचते हैं कि अलग अलग स्कूल में पढ़ने से, एज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इससे और ज्यादा आपको ये नहीं लगता सेक्सुअलिटी में और ज्यादा फर्क आता है? द थिंकिंग वो अलग और ज्यादा होती है उसमें। मैं सर, मैं अच्छा सवाल पूछा है कि ये आप करना क्या चाहते? औरत और मर्द को अलग क्यों रखना चाहते? सेक्सुअलिटी बढ़ेंगी क्या नहीं? भाई साहब, मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पेश किया आपको, क्या कोविड स्कूल में क्या होता है कोविड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन जिना करे तो आपकी मर्जी, मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने चाहता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी वालदा, मेरी बहन जिना करे, आप चाहते हैं। और जहां तक सेक्सुअलिटी की बात आती, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज एक शख्स एक सेक्सुअल पार्टनर बिफोर ही सेटल डाउन विद वन, 8 लोगों से जिना करता है कम अज कम ऑन एवरेज। कम अज कम नहीं, ऑन एवरेज एक शख्स अमेरिका में एक खातून या एक मर्द ऑन एवरेज आमतौर पे 8 सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब 8 लोगों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने लोग से करता है साइंटिफिक में लिखा नहीं था। शादी करने से पहले 8 लोग से, कोई करता है 2 से, कौन करता है 3 से, कोई 10 से, कोई 20 से। आप कहते हैं कि अलग रहने से क्या करना चाहते? और स्टैटिस्टिक यही कहती है कि जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता, शादी के पहले डज नॉट हैव सेक्सुअल पार्टनर्स, ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। यानी जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता और उड़ियान में गिरी लड़कियों को लेकर नहीं घूमता, वो अपनी शादी की जिंदगी सबसे बेहतरीन तरीके से गुजारता है। ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। आप अगर 10 लड़कियों को टेस्ट करेंगे तो कंपेयर तो करेंगे ना अपनी बीवी के साथ, जब टेस्ट ही ना करेंगे तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। ये साइकोलॉजी है। भाई साहब, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, आप जब 10 लोग को चखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे ना, जब चखेंगे नहीं तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द और औरत के बीच में हमने दिल में मोहब्बत पैदा की, तो आपकी बीवी बेस्ट, भले शी मे नॉट बी अ ब्यूटी क्वीन, आपके लिए बेस्ट है। और आप जो कहते हैं क्या ये अलग रख के क्या करना चाहते, ये जो वेस्टर्न कल्चर है भाई साहब, ये वेस्टर्न कल्चर हमको भड़का रहा है। वो
आर्ट और कल्चर के आड़ में कह रहा है कि हम वुमेन को ऊंचा कर रहे हैं, हम वुमेन को काम दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि वुमेन वर्क मोर इन अमेरिका देन मेन। और आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट होती ना मोटरसाइकिल के एडवर्टीजमेंट में, अक्सर आप देखेंगे खातून को, सही कि नहीं? कौन चलाता है, लड़की चलाती है लड़का चलाती है मोटरसाइकिल? कौन चलाता है, कौन चलाता है मोटरसाइकिल ज्यादा? यहां पुणे में मैं जानता हूं कि लड़कियां भी चलाती है, काफी चलाती है माशाल्लाह। लेकिन आमतौर दुनिया पे बॉम्बे में हो या अब्रॉड हो आदमी ज्यादा चलाते हैं, लेकिन आप एड में देखेंगे लड़की को, कहां ज्यादा कौन चलाते, लड़कियां लड़की आदमी या औरत? और आप देखेंगे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए औरतें के जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है। और एक फेमस एडवर्टीजमेंट है जिससे एक शख्स ने मुझे कहा था, एक फेमस बहुत पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है जो बीएमडब्ल्यू की, आप बीएमडब्ल्यू कार को जानते हैं, यू नो यंगस्टर्स के लिए मर्सिडीज कार का एक औदा है, स्टेटस है, लेकिन नौजवानों में बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की टक्कर में फास्ट कार है, तो नौजवानों के लिए बीएमडब्ल्यू। एक बीएमडब्ल्यू की मशहूर एड है जिसके गाड़ी के पीछे एक खातून खड़ी है बिकनी में, बिकनी जानते ना, उस पर लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव हर नाउ हु द गर्ल ऑफ द कार। एडवर्टाइज में कहा गया आओ इसको चखो, किसको, लड़की को या गाड़ी को? एक लड़की बिकनी में खड़ी हुई है, जिसम ज्यादा दिख रहा है, और कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इट इज अपलिफ्टमेंट, इट इज डिग्रेडेशन, इट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ बॉडी। आप जो कहते हैं कि ये क्यों सेग्रीगेशन है, हम हमारे औरतों को इज्जत देना चाहते हो, और शायद आप ये भी नहीं जानते कि आपकी किताबों में, मेरे हिसाब से आप हिंदू है, आपकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, आपकी किताब ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 85 वर्स नंबर 33 उसमें जिक्र किया गया है कि खातून को अपना सिर ढकना चाहिए। आप अगर रामायण पढ़ेंगे महाभूति वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 71 में, रामायण जब परशुराम को देखते हैं, श्री राम जब परशुराम को देखते हैं, वो अपने बीवी सीता से कहते हैं कि आपके बड़े आए हैं, आप अपनी नजर नीचे करो और सर को ढाको। अफसोस की बात है हम हमारी किताब कहां पढ़ते, तो आपके किताबों के अंदर भी हिजाब है, बाइबल में भी हिजाब है, रामायण में भी हिजाब है, आपके वेदा में भी हिजाब है, अफसोस की बात है हम पढ़ते किधर? तो ये अल्लाह सुबहाना व ताला का निजाम है, खुदा का निजाम है कि हमें औरतों की इज्जत करना चाहिए। इज्जत का मतलब ये नहीं क्या भाई शोल्डर टू शोल्डर चले, गले में गले हाथ डाल के चले और कहेंगे कि मॉडर्न है, ये मॉडर्न है, डिग्रेडेशन है। यू नो टुडे अमेरिका इज गोइंग टू द डॉग्स। आज आप देखेंगे, आप पहली तारीख गवाह है बेबिलोनिया हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक, हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, वुमेन वर यूज फॉर सेक्स एंड प्लेजर। आज क्या हो रहा है अमेरिका में, वही हो रहा है, वुमेन लिबरलाइजेशन के नाम में आर्ट और कल्चर की आड़ के अंदर खवातीन को बेच रहे हैं, तन को बेच रहे, मन को बेच रहे, बदन को भी बेच रहे। अफसोस की बात है, हम नहीं चाहते हम हमारे खवातीन को, हमारे बहन को, हमारे बेटियों को, हमारे वालदा को बेचना नहीं चाहते, हम उनकी इज्जत करते, इसीलिए उनकी औदा ऊंचा है, दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली जिंदगी से मुस्तफीज हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान, अस्सलामु अलैकुम।